अरे जनता का सवाल, गौरव बंधु एक मिनट, सवाल। इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, 71 वो तो में। वो तो आज तक नहीं हटी। लेकिन मोदी जी ने भी नारा दिया सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। सबका साथ तो जरूर मिला उनको, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। ये जो सीलिंग हो रही है, छोटे छोटे उद्योग कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग पटरी पे चले आए। अब बताइए कि आप कहते हैं 125 कंपनी आ गई मोबाइल बनाने की, मोबाइल क्या करेंगे? पहले रोटी चाहिए, आप उन्हें रोटी का फिगर कीजिए। ये मोबाइल तो आप राम का सपना दिखाते हैं, यहाँ रोटी पर बनाई है। एक मिनट अंजना जी, बहुत इन्होंने सही बात कही। 71 में नारा दिया गरीबी हटाओ, आपने सही कहा, नहीं हटी। लेकिन आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, सबका साथ सबका विकास, ये होता है रोटी। बिल्कुल, मैंने जो रोजगार के आंकड़े रख दिए हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता के लिए कोई नहीं खड़ा हो पाया। ट्रिपल तलाक अध्यादेश लाने के लिए जो 56 इंच की छाती चाहिए थी, वो नरेंद्र मोदी जी में थी, इनकी जैसी पार्टी में नहीं थी। आप मानेंगे नहीं। आप दूसरी बात, एनआरसी राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है कि नहीं है, आप बताइए। घुसपैठिए अंदर आए इनके समय में, उनको निकालने का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो विकास के साथ रोटी उछाल गई, सुरक्षा भी होनी चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। रोटी उछली भी और जल गई, ये ठीक कह रही है किचन के जी। एनआरसी और ट्रिपल तलाक भी उड़ा दिया गया उससे। अंजना जी, यही है मजहब के आधार पर बातों का जवाब। एक सेकंड सर, एक सेकंड, तीन चार महिलाएं यहाँ पर हैं, जल्दी जल्दी। भाजपा के गौरव जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि 70 साल में एक बेचारा चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना है, ये कांग्रेस की सफलता है या असफलता? देखिए, मैं सहज सम्मान आपसे एक ही बात कहूंगा, बेचारा चाय वाला नहीं है, वो खुश नसीब चाय वाला है जिसको देश की जनता ने चुन के भेजा है, और ये हमारे लोकतंत्र की जीत है मैम। वो बेचारा नहीं है ना कोई ना... गौरव जी एक तरफ पक्ष बोल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष बोल रहा है। 70 से इतने साल हो गए, जनता, बच्चे अशिक्षित हैं, युवा बेरोजगार हैं, आप अभी भी राम राम और राहुल राहुल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या होगा? मेरा सवाल है कि राम मंदिर बन गया तो क्या बीजेपी के पास मुद्दा ही खत्म हो जाएगा? नंबर एक, टॉयलेट, मैडम तो हाथ ही पकड़ ली हमारा। अच्छा, टॉयलेट बन गए, टॉयलेट में पानी नहीं। अच्छा, आप कितने टॉयलेट में गई मैडम? ऐसे सुना है 7.5 करोड़ टॉयलेट बने हैं। टीवी चैनल देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका जवाब लेंगे एक साथ। एक सेकंड, ये सवाल ले लूं। एक मैं अलग सवाल पूछती हूँ, आप दोनों गठबंधन वाले भी और आप लोग भी सवाल उठाते हैं किसानों का। किसानों को आजकल वोट बैंक बनाने की पॉलिटिक्स चल रही है, क्या कभी उन किसानों की भी सोची है जो भूमिहीन है, अध बटाई पे काम करते हैं, उनको कोई बैंक लोन नहीं देता है, लक झक कुर्ता पहने हुए किसानों के लीडरों को फायदा होता है? और सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि जब रैलियां आती हैं तो उन्हीं बेचारे भूखे नंगे किसानों को आगे लाया जाता है। अरे वही मरते हैं, कभी उनके बारे में सोचिए, वोट बैंक मत बनाइए उन्हें। चलिए दोनों इसका जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद हम ब्रेक लें। मैं पहले बोल सकता हूं अंजना जी? हाँ गौरव जी। देखिए मेरे यार, गौरव वल्लभ जी, गौरव वल्लभ जी, आपने मेरे भाई, जल्दी सर छोटा जवाब देने का, ब्रेक का टाइम हो गया। बहुत ठीक, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो मिला, विकास नहीं हुआ। आप गलत है, विकास हुआ है। तीन बड़े विकास के मॉडल है, मैं बता देता हूँ। एक विकास हुआ है छोटे मोदी का, वो यहाँ से पैसे लेके दुनिया के एक बहुत सुदूर देश में बीच में जाके नीरव मोदी रेस्ट कर रहा, उसका विकास हुआ, ऐसे मत बोलिए। दूसरा विकास हुआ है, एक डबल ए नाम का व्यक्ति है देश में, 40,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, उसको 30,000 करोड़ का ठेका और 1,00,000 करोड़ का ऑफसेट मिल गया। और तीसरा मॉडल आपको बताऊं, पकौड़े जो हमारे मित्र ने बात करी, रोजगार मोदी जी का मॉडल है, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, और उसके बाद पकोड़े तलो, पकोड़े, ये मॉडल देश में नहीं चलेगा। पहले तो छोटा मोदी का विकास हुआ, एक सेकंड, डबल ए का फॉर्मूला, और फिर एक सेकंड, एक सेकंड, मिस्टर वल्लभ मुझे नहीं आता पकोड़े तलना। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, 2019 की हर खबर, हर चुनावी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए।